मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे। दोस्तों, आपके अनुरोध पे जो है बहुत सारे लोगों ने अनुरोध किया है कि किस तरह से करी पत्ता को जमीन से निकाल के गमले में लगाएं या गमले में किस तरह से लगाएं, तो इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि रेड कलर का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी जानना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये नीम का पौधा है, मीठी नीम, कड़ी नीम जिसको कहते हैं, कड़ी में इस्तेमाल करते हैं इसको, स्वादिष्ट व्यंजनों में इसको डाला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी को हम ट्रांसफर करेंगे, ज़मीन से निकाल के हम इसे गमले में लगाएंगे। वैसे भी शहरों में जो है ज़मीन कम होती है, तो गमले में कैसे लगाए इस बारे में मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे मेयर आते हैं तो उन्हीं के लिए मैं ये प्रोग्राम बनाया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं जड़ समेत। चलो तो दोस्तों, ये निकाल लिया, देखिए। तो अब हम इसको गमले में ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, आइए इसको लगाते हैं। ये गमला है, हमने गमले की मिट्टी तैयार कर रखी है। अब इसको हम पोले पोले तरीके से इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए, जड़ की मिट्टी मैंने लाई हुई है साथ में लपेट के। अब मैं इसको इसमें आसानी से लगाऊँ, पानी देंगे। दोस्तों, इसको कम से कम 10 से 15 दिन तक के जो है इसको जो है आप जो है छांव में रखें, और हर दिन कम से कम 1 घंटा इसको धूप जरूर दें शुरू में। और जब एक बार ये लग जाए तब आप इसे आराम से सामान्य जगह में रख सकते हैं। तो ट्रांसफर पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और 15 से 20 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई खाद ना दें। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया किस तरह से गमले में लगाना है, तो आप इस तरह से लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आता है तो आप ज़रूर जो है इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप करें और फेसबुक में करें, जहाँ भी आप इनको जो शेयर करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।